बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको सदाए रमज़ान में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान अज़ीम राना और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है शहरबानो अवान। उम्मीद आप ठीक होंगे। रमज़ान का पहला अशरा बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आज छठा रोज़ा है तकरीबन। अगर बात करें हम कि रोज़ा मुकम्मल ही होने वाला है, अभी इफ्तार का वक्त थोड़ा ही रह चुका है, तो हमें आज के रोज़े में हम क्या दर्स देने जा रहे हैं शहरबानो? आज हम बात कर रहे हैं जी मियाना रवी की, और मियाना रवी इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली मियाना रवि होता क्या है कि एक बैलेंस क्रिएट रखना हर चीज़ में, अपने अमाल में, अपने एक्शंस में, सब में बैलेंस क्रिएट रखना, ना तो बहुत हट जाना उसे, ना बहुत शिद्दत इख्तियार कर लेना। तो हर वो चीज़ जिसमें मियाना रवि हो वो बहुत ही फ़ायदे के लिए है, उससे बहुत फ़ायदा पहुंचता है। और अल्लाह ताला की जानिब से भी यही हुक्म है कि अपने हर काम में मियाना रवि इख्तियार करो, और साथ ही साथ इबादत में भी। बिल्कुल, इबादत में भी बहुत ज़्यादा, जाहिर सी बात है कि आप ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि बहुत ज्यादा भी आपको पसंद नहीं किया गया किसी भी चीज को शिद्दत के साथ करने को पसंद नहीं किया गया। और एक हदीस भी है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मियाना रवि इख्तियार करो, क्योंकि जिस काम में मियाना रवि होती है वो काम संवर जाता है, और जिस काम में मियाना रवि नहीं होती वो काम बिगड़ जाता है। जी बिल्कुल। और इबादत में मियाना रवि इख्तियार करनी चाहिए। इबादत के साथ साथ हमें अपनी मुआशरती जिम्मेदारियां भी पूरी करनी हैं, और अपनी मुआशरती जिम्मेदारियों में भी मियाना रवि इख्तियार करनी चाहिए। वो किस तरह से जी, कि खर्च करने में मियाना रवि इख्तियार करें, ना फजूल खर्ची करें, ना ही कंजूसी करें। बिल्कुल, उसके बारे में भी बड़े सख्त अहकाम हैं। बिल्कुल, बड़े कुछ लोग हैं वो इस चीज़ें बड़ा बढ़ चढ़ के बताते हैं, जी हम तो अपने पैसे बस रखते हैं, हम अपने ऊपर भी नहीं लगाते हैं, हम लोगों को भी फील नहीं होने देते हमारे पास पैसे हैं। तो उनके बारे में बड़े सख्त अहकाम हैं कि कंजूस ना हो। और मियाना रवि का हुक्म तो शहरबानो अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है कि अल्लाह ताला की राह में खर्च करो, बेशक, और वो चीज़ जो आपको सबसे ज्यादा प्यारी है, और अपने अगर अपने ऊपर भी खर्च करने का हुक्म है कि अगर परवरदिगार ने आपको अता किया है तो अपने लिबास को बेहतर करो, अच्छा लिबास पहने, अच्छी सवारी को, बिल्कुल अपनी सवारी को बेहतर करो, अपने रहन सहन को बेहतर करो, और अपने रिस्क में से लोगों को दो, अपने रिस्क में से बांटो। जितना आपने खुदा की राह में बांटोगे ना उतना ही ज्यादा आएगा। और बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि अब हम अपने नाज़रीन को क्विज़ की तरफ लेकर चले। बिल्कुल, मतलब बहुत जरूरी है। और स्पार्क स्मार्टफोन लाया है आपके लिए तोहफों का खजाना, और आज हम आपको देने जा रहे हैं स्पार्क स्मार्ट वॉच, और कुछ ही सेकंड्स की ये सारी गेम है। मोबाइल अपने हाथ में पकड़ ले, नंबर जो है वो टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, कॉल मिलाए, उसके बाद आपसे सवाल किया जाएगा, और सवाल अगर दुरुस्त हुआ तो आपको दी जाएगी स्पार्क की स्मार्ट वॉच। सवाल हमारा दुरुस्त ही होगा, जवाब अगर दुरुस्त हुआ तो हम आपको देंगे स्मार्ट वॉच। और हमारे साथ हमारे पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कौन है? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, जैन बात कर रहा हूँ पाक पतन से। ठीक है जी, जैन तो पाक पतन से बात कर रहे हैं। जैन आपको असूल पता है हमारी गेम के? हम लोग एक सवाल पूछेंगे और आपके पास बड़ा ही कम वक्त होगा, तीन चार ऑप्शंस दी जाएंगी और आपने फौरी तौर पर सही जवाब देना है। जवाब दे देंगे स्पार्क्स की स्मार्ट वॉच आपको मिलेगी। चलें, सवाल जैन मैं आपसे सवाल करने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। औरतों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हजरत आयशा, हजरत खदीजा, या हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा? हजरत खदीजा। जी बिल्कुल, आपका जवाब दुरुस्त है। बिल्कुल जैन, सही जवाब दिया आपने। हमारी टीम आपसे अब कर लेगी कांटेक्ट, आपका एड्रेस ले लेंगे। बहुत मुबारक हो, आप जीत चुके हैं जी स्पार्क्स की स्मार्ट वॉच। अभी कुछ ही देर में आप स्मार्ट वॉच पहन के हमारे साथ शेयर कीजिएगा, और हम खुश होंगे कि आपको स्मार्ट वॉच मिल गई। और खुशी इस बात की होती है कि लोग जब कॉल मिलाते हैं, बिल्कुल, और वो कॉल मिलने के बाद सवाल का जवाब दुरुस्त देते हैं। हम अपने नाज़रीन को ये भी बता दें कि इस तरह से ढेरों इनाम आते हैं हमारे पास स्पार्क स्मार्ट फोन्स की जानिब से, और ये सिलसिला जारी रहेगा पूरे रमजान में। तो टेलीफोन नंबर आप नोट कर ले, जैसे ही प्रोग्राम का आगाज होता है, हमारी ट्रांसमिशन का आगाज होता है, आप फौरी तौर पर नंबर डायल करना शुरू कर दिया करें, और जो भी कॉलर लकी कॉलर पहले हमारे साथ होगा उसे इसी तरह से रोजाना की बुनियाद पर सवाल पूछा जाएगा, सही जवाब पर उसे इनाम देंगे हम। और पीसीआर से मुझे ये बात बताई जा रही है कि पहले से ही कॉल जाना शुरू हो गई थी हमारी ट्रांसमिशन, जब तक अभी आगाज भी नहीं हुआ था बाकायदा तौर पर कॉल जाना शुरू हो गई थी। तो इसी तरह हम कॉल ले लेते हैं, फिर उसको होल्ड करवा लेते हैं जो सबसे पहली कॉल होती है, और सवाल जो है वो तो ऑनियर आपसे पूछा जाता है और जवाब फिर आप ऑनियर ही बताते हैं। बड़ा थोड़ा वक्त होता है, तो आप लोग भी इसका हिस्सा बन सकते हैं स्पार्क की स्मार्ट वॉच। मैं तो कह रहा हूं कि लगे हाथों हम ये ऐलान करते हैं कि हमें भी इस गेम का हिस्सा बना लें। आप सवाल करें, मैं जवाब देता हूं। नहीं आप नहीं बन सकते, बिल्कुल भी नहीं बन सकते। आप देने वालों में से हैं, आप इस वक्त इनाम बांट रहे हैं, इससे अच्छा क्या आपको क्या चाहिए? अच्छा क्या, ये तो बहुत अच्छी बात की आपने, ये जो आपने मुझे इत्मीनान दिलाया, ये भरोसा दिलाया मियाना रवि। इससे पहले हम बात कर रहे थे मियाना रवि कितना जरूरी है,
अपने बिल्कुल ऐसे है। और इसके अलावा ये है कि रमजान का छठा रोजा है और अजीम मुझसे कह रहे थे कि बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा कि उस शिद्दत के रोजे नहीं। ये आपने सही बात की है, लेकिन ये पता नहीं इंसानी फितरत है कि जैसे जैसे इफ्तारी का वक्त करीब आना शुरू होता है ना, वैसे वैसे भूख प्यास बढ़ना शुरू होती है। उससे पहले पूरा दिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर जाता है। और म्याना रवि की चूंकि हम बात कर रहे थे तो खाने पीने में म्याना रवि इफ्तार करना बिल्कुल इफ्तार के टाइम वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि हम इफ्तार के टाइम भी आप म्याना रवि कर सकते हैं, क्योंकि पेट आपका अपना ही है, सेहत भी आपने खुद ख्याल रखना है। तो हुक्म भी ये है कि खाने पीने में बोलने में हर चीज में म्याना रवि का इख्तियार करें, म्याना रवि इख्तियार करें। और अभी बिल्कुल लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में अजान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है, इफ्तारी की तैयारी की जा रही है, तो यहाँ पर ब्रेक शामिल करेंगे हम, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए सदाए रमजान। सदाए रमजान, सदाए रमजान में खुश आमदीद आपको कहते हैं। तो बात करेंगे बड़े अहम टॉपिक पे, बच्चों की तरबियत किस तरह से की जाए। तो औलाद कुदरत का अनमोल तोहफा है, मौजूदा दौर में बच्चों की तरबियत एक चैलेंज बन गया है, क्योंकि अगर हम देखें तो पुराने ज़माने और इस ज़माने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नित नई इजादात सामने आ चुकी हैं, सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल हर बच्चे के पास है। वालिदैन कितना मुश्किल है वालिदैन के लिए ये सोचना कि अब बच्चे को किस तरह से हक का रास्ता दिखाया जाए, बच्चों के अंदर हक को बातिल की पहचान लेकर आएँ, इस्लामी और गैर इस्लामी इख्तदार को समझने और इसमें फ़र्क करने की सलाहियत को उजागर किया जाए। तो यही जानते हैं, बहुत ज़रूरी है ये हम टॉपिक कि बच्चों को किस तरह इन सारी चीज़ों की तरबियत की जाए। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। दौरे हाजिर में वालिदैन का किरदार क्या होना चाहिए, वो कितना अहम है, इस पर बात करते हैं जी। मजहबी स्कॉलर डॉक्टर तारिक शरीफ ज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि किसी बाप की तरफ से उसकी औलाद के लिए सबसे बेहतर तोहफा ये है कि वो उसकी अच्छी तरबियत करे। तो जदीद टेक्नोलॉजी ने इस्लामी तर्ज पर तरबियत को मुश्किल बना दिया या आसान बना दिया है, किस तरह से बच्चों की तरबियत की जाए। इसमें रब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम तस्लीम, सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और आज आपने वाकईतन एक ऐसे उनवान को ज़ेर बहस लाने की कोशिश की है जो यकीनन मुआशरे के हवाले से मैं समझता हूँ कि अगर इस एक उनवान का कदा कर दिया जाए तो चंद बरसों के अंदर ये मुआशरा जो है वो हकीकी मानों में फलाही मुआशरा जिसे कह सकते हैं उसकी मंजिल तक पहुंच सकता है। जो आपने अभी हदीस मुबारक बयान की, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालदैन के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ वालदैन की तरफ से उनकी औलाद को पहुँचती है वो बेहतरीन तरबियत है। आप ये देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तालीम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते थे, और हम सब जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम पर बड़ा ज़ोर दिया, और ज़ाहिर आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो तालीम के साथ और उसकी कदर व मंजिलत लोगों को समझाने में गुजरी। लेकिन विरसे के तौर पर जो सबसे बेहतरीन सरमाया वालदैन से औलाद को मुंतकिल होने का जब हुजूर ने फरमान जारी किया तो हुजूर ने उसमें तरबियत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और उसका सबब क्या है कि दुनिया भर के सारे समाजियात के माहिरीन ये कहते हैं कि तालीम जो है वो बड़ी ज़रूरी है, लेकिन तालीम की कमी तरबियत पूरी कर सकती है, लेकिन तरबियत की कमी तालीम पूरी नहीं कर सकती। इसलिए तालीम का बुनियादी मकसूद ही ये है कि वो इल्म जो खैर पर मबनी मुझ तक पहुँचे, जो मुझे खैर और शर में तमीज़ करने का एहसास दिलाए, जो मुझे एक अच्छे इंसान और कमज़ोर खसाइल के इंसान के दरमियान फ़र्क करना महसूस कर सिखाता है, अमली तौर पर वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनना शुरू हो। यानी मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि इंसान की बख्शिश के लिए, इंसान की फलाह के लिए तो उतना दीन ही बहुत काफ़ी होता है जो उसने पाँचवीं क्लास तक सीखा होता है। असल मामला ये है कि वो दीन, वो खैर, वो खूबी जो हम तक पहुँची है वो हमारी ज़िंदगियों में शामिल हो। उस ज़िंदगियों में शामिल करने की जो मशक है उसका नाम तरबियत है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जिस मुआशरे में आप और मैं रहते हैं, यहाँ पर वालदैन जो हैं वो ये समझते हैं कि शायद एक बहुत महंगे स्कूल में जिसकी फीसेस बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ का माहौल जो है वो बड़ा जदीद है और जदीदियत के करीब, और जदीदियत का भी माजरत के साथ हमारे यहाँ इकलौता मतलब ये है कि वहाँ पे अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोली जा रही हो, अंग्रेज़ी का लबो लहजा बहुत अच्छा हो, और माहौल जो है उसके अंदर एक तायुश का जो एक पहलू होता है वो नज़र आ रहा हो, और बस मैं ये समझता हूँ कि बस इतने महंगे तरीन शहर का जो स्कूल है उसके अंदर अगर मैंने बच्चे की का एडमिशन करवा दिया है तो गोया मैं तालीम के अक्से भी दस्तबरदार हो गया हूँ और तरबियत का मामला भी मेरे ज़िम्मे जो है वो मुकम्मल हो गया है। हालाँकि तरबियत जो है मैं ये समझता हूँ कि स्कूल असातज़ा उनकी अहमियत से कौन जी शऊर इनकार कर सकता है, लेकिन तरबियत का मामला जो है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो वालदैन की वालदैन से ही औलाद को पहुँचना होता है। घर का माहौल किस तरह का होना चाहिए? जनाबी अली करम करीम से किसी ने पूछा कि बच्चों की तरबियत के हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या रहनुमाई देते हैं, घर का माहौल किस तरह का होना चाहिए? तो आपने फरमाया कि अपने पास आने वाली अल्लाह की ये अमानत, ये जो बच्चे हैं ना, जैसे वालदैन हमारे लिए जन्नत का दरवाज़ा भी होते हैं और दोजख का दरवाज़ा भी होते हैं ना,
बड़ी एहतियात और ज़िम्मेदारी के साथ दीन के एक तालिब इल्म के तौर पे मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि हमारी औलादें भी हमारे लिए जन्नत का दरवाज़ा भी हो सकती हैं और जहन्नम का दरवाज़ा भी हो सकती हैं, अगर हम उनकी अच्छी तरबियत करके उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना शुरू करें इस जज्बे के साथ, अल्लाह की तरफ से एक अमानत समझते हुए कि अल्लाह ने एक औलाद की शक्ल में हमें एक अमानत दी और एक जिम्मेदारी दी है किसी और हमारे लिए सदका जारिया भी है। जी हाँ, मेरे उस्ताद मोहतरम कहा करते थे कि औलाद के मामले में बस एक मियार बना लें कि आपने अपने से बेहतर इंसान मुआशरे को देख के जाना है, यानी वो सारी खामियां जो किसी न किसी दर्जे में सारी ख्वाहिश के बावजूद वो आपकी जिंदगी से नहीं निकल सकी, आपने कोशिश करनी है कि आपको जिन लोगों की तरबियत सुपुर्द की गई है उन्हें आप अपने से बेहतर इंसान बना के भेजें। जनाब अली करम अल्लाह वजह करीम ने फरमाया कि जब बच्चा पैदा हो तो पहले 7 बरस तक उसे इस तरह रखो जिस तरह पौधों की निगरानी की जाती है, उनकी निगेबानी की जाती है, उनकी निगेदाश्त की जाती है। क्या मतलब? जैसे पौधा नहीं बता सकता ना कि उसे धूप चाहिए, इस वक्त छांव चाहिए, पानी चाहिए, खुराक चाहिए, जी हाँ उसका अपनी औलाद का इस तरह ख्याल रखो। गोया बच्चा नहीं समझ सकता कि उसे इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, ये आपने तय करना है। फिर अगली बात बड़ी आपने माजरा परवर कही, आपने फरमाया 7 बरस से लेकर 14 बरस तक का जो अरसा है इसमें अपने बच्चे को ऐसे रखो जैसे गुलाम को रखते हैं। अच्छा। मैं एक नेशनल नेटवर्क के ऊपर बैठ के ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और आपने उसका जवाब भी फराम किया। जब आपके मुहिबीन ने आपसे पूछा ना कि गुलाम तो बड़ा सख्त लफ्ज नजर आता है, आपने कहा गुलाम का मतलब ये है कि ये उम्र उसकी वो है जिसमें उसकी आदतें पुख्ता होना होती, इसलिए 7 से 14 बरस का जो फेज है उसके अंदर आपने बच्चों को इस तरह रखना है कि जैसे गुलाम को रखा जाता है, यानी उनकी तरबियत ऐसी करनी है, उनकी आदत पर फोकस करना है, क्योंकि ये आदत जो इन 7 बरस में बननी है ये सारी जिंदगी कब्र के दहाने तक उसके पास जानी है। बल्कि मैं तो बड़ी एहतियात से एक बात आगे की कहता हूँ कि जो आदत आपने अपने बच्चे को सिखानी है ना ये आदत उस बच्चे की कब्र तक उसके साथ नहीं चलनी, बल्कि उसके बाद उसके हाथों से जो अगली जनरेशन तरबियत पानी है उस तक शिफ्ट होने। जनाब अली करम अल्लाह वजह करीम ने फरमाया 14 बरस से लेके और 21 बरस तक का जो उम्र है जो जमाना है 7 से 14 पहला बच्चों पौधों वाला जो मामला है निगेदाश्त करना, सॉरी पैदाइश से 7 तक वो, 7 से 14 तक गुलाम वाला मामला, तरबियत वाला जो मामला है, 14 से 21 वाला जो मामला है उसमें आपने फरमाया कि अपने बच्चों के मुशीर बन जाओ। मुशीर बनने का मतलब क्या है? किसी ने पूछा मुशीर से मुराद क्या? कहा एक तो ये है कि उसके साथ आपका दर्जा ताल्लुक ऐसा दोस्ताना होना चाहिए कि वो आपसे हर बात शेयर कर सके, और वो जब उसे कोई चीज दरकार हो, कोई रहनुमाई दरकार हो, कोई अपना इजहार करना चाह रहा हो, तो उसे जो सबसे बेहतरीन और काबिले भरोसा रिश्ता नजर आए अपने गिर्दो पेश में वो उसके वालदैन होने चाहिए। उसे ये लगे यानी उस वक्त तक आपका अपने बच्चे के साथ ऐसी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो चुकी हो कि वो बच्चा पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन अपना जो मुशीर है वो आपको समझ रहा। आपने कहा उसका मुशीर रहना है, और फिर आपने फरमाया कि 21 बरस से लेके कब्र के दहाने तक जितना जमाना भी मयसर आया औलाद के साथ बाकी सारा वक्त उसके साथ दोस्त बन के रहो। तो जो सामने लोग बैठे थे उनमें से एक आदमी ने पूछा कि मुशीर भी तो मशवरा देता है और दोस्त भी मशवरा देता है। आपने फरमाया बिल्कुल ऐसा है, लेकिन मैंने मुशीर का जमाना अलग बताया और दोस्त का अलग, इसलिए बताया कि मुशीर की मनसबी जिम्मेदारी होती है कि वो जब आप गलत कर रहे हो तो आपको मशवरा दे। यानी उम्र का वो हिस्सा बच्चे का जिसमें मैंने मुशीर कहा उसका मतलब यह है कि वो चाहे मशवरा तलब करे या ना करे लेकिन आपने हिकमत के साथ उसके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना है और खैर और शर में इम्तियाज भी उसको बताना है, अच्छे और बुरे की तमीज उसको सिखानी है। फरमाया उसके बाद का जो जमाना है उसमें उसके दोस्त रहो, और दोस्त वो होता है, दोस्त भी मुशीर होता है, लेकिन दोस्त वो मुशीर होता है जिससे जब मशवरा तलब किया जाए तो वो मशवरा देता है। यानी इसका मतलब क्या है कि आप उसके ऊपर उस तरह की बंदिश, उस तरह की पाबंदी ना रखी जाए। और आपने खुद फिर ये फरमाया कि जो शख्स 21 बरस आपको मयसर रहे औलाद की शक्ल में कुल वक्ती आपके साथ, और अल्लाह ने उसकी जबिल्लत में जैसे आपकी फितरत में अल्लाह ने उसके लिए बेहतरीन मोहब्बत पैदा की, इसी तरह उसकी जबिल्लत में आपके लिए बेहतरीन मोहब्बत और भरोसा जो है वो पैदा कर रखा है। 21 बरस की मुसाफत के और रफाकत के बावजूद अगर वो बच्चा आपके मशवरे पे अमल नहीं कर रहा तो फिर अब सिर्फ दुआ या उसका अपना तर्क तजर्बा ही उसकी तरबियत कर सकता है। इसलिए उससे पहले पहले जितना जल्दी मुमकिन हो सके उसकी तरबियत में की जाए तो एक अच्छा इंसान बने। मिसालें हैं, सुभान अल्लाह, खूबसूरत मिसाल दी आपने ये तो जिंदगी गुजारने के लिए, एक इतना जबरदस्त और इतनी डिटेल्ड बात है। आप ये देखिए कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब जिंदगी को हम देखते हैं तो आपकी जिंदगी में भी बच्चों की तरबियत के हवाले से बड़ा एहतमाम नजर आता है। जनाब अली करम अल्लाह वजह करीम के काशाना नूर पर हुजूर तशरीफ लाते हैं सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा और उन्हें उनके बच्चों के साथ खेलता हुआ देखते हैं तो हुजूर उन्हें क्या कहते हैं? हुजूर कहते हैं कि इन बच्चों को बाहर खेलने के लिए नहीं भेजना बल्कि आप खुद इनके साथ लइए टाइम गुजारने, जैसे आज की जुबान में हम कहते हैं ना बच्चों को जो वक्त देना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें ये तरगीब दिला रहे हैं और फिर फरमाया कि अपने बच्चों को तैराकी सिखाओ,
अपने बच्चों को घुड़सवारी सिखाओ, सिखाओ। वाँ वाँ फिर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और खुद और खुशखती जो है जो अच्छे अच्छे अंदाज में लिखना जो है खुशखत लिखना जो है वो भी सिखाओ। और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ ये यादगान को हजरत असलाने करीमैन को ना सिर्फ ये कि हुजूर ने इन सारी चीज़ों पर रागिब किया बल्कि अपनी सरपरस्ती में उन्हें ये सारे जो जो फ़नून है वो सिखाए, और न सिर्फ सिखाए बल्कि जब उनमें से कोई अच्छा काम करता तो हुजूर असहाब की मजलिस में उन्हें बिठा के उनकी तारीफ करते। गोया हुजूर ने अपने अमल से मुझे और आपको ये पैगाम दिया है कि हमारे बच्चों में जब कोई खूबी मौजूद हो, खामी मौजूद हो, तो उन्हें आपने तन्हाई में समझाना है, और जब उनकी खूबी हो तो उसे मजलिस में बयान करना है ताकि दो बातें हो, एक तो उनको हौसला अफजाई हो उनकी, दूसरा उनके लिए उस पर कायम रहना आसान हो, जिस चीज़ की एप्रिसिएशन। बड़ी खूबसूरत आपने बात की और मेरे ख्याल से आपने सही अंदाज में मैसेज डिलीवर किया कि किस तरह से तरबियत की जानी चाहिए, इससे बेहतरीन मिसालें हो नहीं सकते। बिल्कुल जबरदस्त मिसालें हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत, और उन्होंने जिस तरह से अपने औलादों को पाला, जिस तरह से तरबियत की, दुनिया के सामने है सब, तो हम उनको मुकम्मल तौर पर तो फॉलो करना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन हम उनसे हेल्प ले सकते हैं, हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये सब कुछ किया गया। बहुत शुक्रिया हमें आपने वक्त दिया डॉक्टर साहब। अब एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। सदाए रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। इंतहाई अहम सेगमेंट है हमारा इस्लामी तहजीब व तारीख, और हम गुज़िश्ता एपिसोड में हमने जिक्र किया मिस्र की तारीख का, तो आज भी वही सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, फहद काज़मी साहब मौजूद हैं। फहद साहब, फिर मिस्र की जी, कल हमने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने रेड सी से कैसे बनी इसराइल को लिबरेट कराया, तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम लिबरेट करा के गए, और जैसे कल आपने भी इशारतन बात की कि फिरौन अल्टीमेटली गर्क हुआ, बिल्कुल, और दैट वाज द लास्ट टाइम कि उसने ईमान लाने की ये कोशिश की, लेकिन इट वाज टू लेट, और उस वक्त फिर अल्लाह ताला ने उसको इबरत के तौर पे गर्क किया, और फिर अल्टीमेटली उसकी बॉडी भी बाय द वे रीसेंट टाइम्स में डिस्कवर हुई है इजिप्ट के नेशनल म्यूजियम में कायरो में आज तक मौजूद है, इबरत का निशान है रामसेस II। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं बात को थोड़ा सा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक जमाना है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7th हिजरी के अंदर बहुत से किंग्स को लेटर लिखते हैं, और उसमें मिस्र के किंग को भी लेटर लिखा जाता है दावत का, अच्छा, तबलीग का, कि इस्लाम आप कबूल करें। मकूकस शाह मिस्र, सही, मकूकस एक टाइटल है, और उस वक्त मिस्र जो थी एक वैसल स्टेट थी। वैसल स्टेट्स वो होती हैं जो एक बड़े एम्पायर को खराज देती हैं, मतलब लिमिटेड ऑटोनमी होती है, इंडिपेंडेंस होती है, मगर एक बड़ी एम्पायर का ही पार्ट होते हैं, तो थे ये रोमन और बाइजेंटीनियन एम्पायर का ही पार्ट, सही, मगर एक वैसल स्टेट। उस किंग ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेटर की तो कदर की और गिफ्ट्स भेजे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन मारिया किप्तिया रजी अल्लाह ताला अन्हा भी तशरीफ लाई, उनका प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे जनाब इब्राहिम, यानी प्रॉफिट की सारी औलाद बीबी खदीजा से है, एक बेटे हज़रत इब्राहिम मारिया किप्तिया से हैं, तो वो मिस्र का एक और कनेक्शन है कि मारिया किप्तिया मिस्र से आई थी और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में यूँ आई। लेकिन मिस्र वालों ने और इस किंग ने इस्लाम को उस तरह से कबूल नहीं किया। फास्ट फॉरवर्ड, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ज़माना है, और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में हम देखते हैं कि ये इस्लामिक एम्पायर जो एक्सपैंड कर रहे हैं, बिल्कुल, और मुजज़ाती बात इसमें यह है कि प्रॉफिट ने जिन जिन किंग्स को लेटर्स लिखे थे और उन तक इस्लाम की तबलीग पहुँची या दावत पहुँची और वो इस्लाम उन्होंने कबूल नहीं किया, अल्टीमेटली वो सारी स्टेट्स जो हैं वो मुस्लिम एम्पायर का पार्ट बन चुके हैं, और वो मिस्र भी उसमें था। 641 हज़रत उमर बिन अल-ख़ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कमांडर सहाबी रसूल अमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मिस्र को कैप्चर किया, और हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, लोग एट टाइम्स इनका तस्करा नहीं करते, ज़ुबैर बिन अल-अवाम भी अशरा मुबशरा के सहाबी थे, और ज़ुबैर बिन अल-अवाम वॉज ऑल्सो देयर एंड ही वॉज ऑल्सो कमांडिंग अ बिग आर्मी, तो हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम और अमर बिन अल-आस इन्होंने मिस्र पर जो है उस तरह से हमारा कंट्रोल हुआ। एक चीज़ जो समझने वाली है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, काहिरा कायरो जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, जो इस वक्त एपिसेंटर है, उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता था, अच्छा, और मुसलमानों ने जब इसको कैप्चर किया ये पीसफुल कॉन्कर हुआ था, उस तरह से लड़ाई झगड़ा या ब्लड शेड नहीं हुआ, मुसलमानों ने इसको कब्जा किया, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंस्ट्रक्शन भी थी, बीबी हाजरा भी मिस्र से थी, बीबी मारिया किप्तिया भी मिस्र से थी, तो प्रॉफिट ने प्रिडिक्ट किया था कि तुम मिस्र पे जरूर कब्जा करोगे लेकिन पीसफुली करना, क्योंकि वहां पे एक हमारा कनेक्शन भी है, तो ये सारा वहां पे कॉन्केस्ट हुआ।
अब हज़रत उमर बिन अल-आस ने हज़रत उमर के ज़माने में जब ये गवर्नमेंट कायम हुई है तो खुलफाए राशिदीन के ज़माने में मिस्र एक प्रोविंस बना, उसके बाद बनू उमैया, बनू अब्बास और फिर फातिमी एक डायनेस्टी थी। फातिमी डायनेस्टी ने काहिरा जो है बनाया और वहाँ पे जो पहले शहर था जो हज़रत उमर बिन अल-आस ने उसको मिस्र अल-फुस्तत कहते हैं। मिस्र अल-फुस्तत जो है, साहब इंटरप्ट करने के लिए माजरत, लेकिन कराची और उसके मज़ाफात में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो फाद साहब आप कहानी आगे बढ़ाएं, कायरो तक पहुंच गए थे हम। बिल्कुल, मैं वर्स कर रहा था कि जब मुस्लिम आर्मी आई तो पहली जो सिटी इन्होंने बनाई उसको कहते हैं अल-फुस्तत, मिस्र अल-फुस्तत। अल-फुस्तत, हाँ, और ये सिटी ऑफ टेंट्स थी। ओके, और ये जैसे अब मुस्लिम आर्मी आई होगी तो इन्होंने अपनी आरजी एक गैरिजन बनाया होगा, लेकिन इट ग्रू आउट टू बी अ ह्यूज सिटी और एट इट्स पीक ये बजाते खुद बगदाद जितनी बड़ी सिटी हो गई थी। दिखाते हैं वो एक टेंट्स में, हाँ, वो एक बिल्कुल उस तरह की बस्ती होगी आगाज में, लेकिन ये इतनी बड़ी थी और इतना इसका वो नाम था कि ये बगदाद को कम्पीट करना शुरू कर दिया था। और इस वक्त ये ओल्ड कायरो के अंदर, यानी जो पुराना काहिरा है उसके अंदर ही कहीं कहीं अब्जॉर्ब इसके रेमनेंट्स जो है इसी के अंदर आ चुके हैं। फास्ट फॉरवर्ड, फातिमी डायनेस्टी आती है और ये 969 की बात है कि जब काहिरा को, काहिरा शहर की बुनियाद जो है वो पड़ती है। सही। और काहिरा जो है ये एक हमारे वेस्टर्न हिस्टोरियन है जस्टिन मुराजी लिखते हैं कि काहिरा के अंदर जो मुसलमानों ने डेवलपमेंट्स की उस दौर का लंदन तो एक छोटा सा गांव भी नहीं था इसके मुकाबले में। अच्छा। जो काहिरा के अंदर की, काहिरा के अंदर क्या हो रहा था, काहिरा के अंदर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग 1000 साल पहले। जस्टिन मुराजी कहते हैं कि मैनहट्टन के स्काई स्क्रेपर्स 1000 साल बाद आए हैं, कायरो के अंदर पहले मुसलमान ले आए थे। मुसलमानों ने वहां पे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई, 1,00,000 मैन्यूस्क्रिप्ट्स वहां पे मौजूद थे। और जैसे होता है ना, हम कहते हैं कि जी ये लाइब्रेरी है, इसमें फ्री इंटरनेट है, फ्री वाईफाई, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उस दौर में फ्री इंटरनेट का इक्विवेलेंट क्या था, यहाँ पे आपको फ्री पेन्स मिलेंगे, फ्री इंक्स मिलेंगी, फ्री पेपर मिलेगा, आप किताबें पढ़ें, किताबों को कॉपी करें। स्मार्ट लाइब्रेरी 1,00,000 मैन्यूस्क्रिप्ट्स, 1,00,000 मखतूते उस दौर में यहाँ पे मौजूद थे। फिर वहां पे एक दारुल इल्म था, वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग इसी तरह नॉलेज सेंटर था। इब्नुल हैसम जो कि बहुत बड़ा, जिसको फादर ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स कहते हैं, फादर ऑफ ऑप्टिक्स कहते हैं, वो उस काहिरा में ही था और काहिरा के अंदर अपनी रिसर्च कर रहा था। अच्छा। और जब हम आगे बढ़ते हैं, ये फातिमी के दौर के बाद फिर सलाउद्दीन अयूबी आए और सलाउद्दीन अयूबी के दौर में एक सिटेडल, बहुत बड़ा कला जो है सलाउद्दीन अयूबी का कला जिसको कहते हैं, वो वहां पे उन्होंने बनाया और वो इतना बड़ा था कि वो इटसेल्फ, इट यूज्ड टू बी कॉल्ड अ मिनी सिटी। और जस्टिन मुराजी कहते हैं कि ये अगर आप लंदन के साथ कंपेयर करें तो लंदन में 1-2 मीनारे थे और दे वर लाइक मिनोस इन कंपैरिजन टू द सिटेडल ऑफ सलाउद्दीन व्हिच वाज लाइक अ ह्यूज सिटी ऑन इट्स ओन। क्या बात है। तो ये 1000 साल पहले काहिरा के अंदर हो रहा था, यानी काहिरा एक मुसलमानों का ऐसा सेंटर था जहां पे नॉलेज, आर्ट्स, आर्किटेक्चर, वहां की मसाजिद कमाल की। और अगर मैं यहाँ पे जामतुल अज़हर की बात ना करूं, जामतुल अज़हर जो मुसलमानों की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेमिनरीज स्लैश यूनिवर्सिटी, मुसलमानों का सबसे पुराना, वन ऑफ द सबसे ओल्डेस्ट, जामतुल अज़हर, अल अज़हर जो है रेडियंट को कहते हैं, रोशनी को कहते हैं। और जब इसका नाम पड़ा था तो इंटरेस्टिंगली ये हजरत फातिमा तो ज़हरा से इंस्पायर होके, बीबी फातिमा से इंस्पायर होके उन्होंने अल अज़हर के नॉलेज और रेडियंस और बाद में सलाउद्दीन अयूबी के दौर में इसको एक और दर्जे पे लेके जाया गया। और आज भी अल अज़हर के जो फतवे हैं, अल अज़हर की जो रिसर्च है, वो मुसलमानों के अंदर मेन स्ट्रीम एतबार से सबसे ज्यादा ऑथेंटिक और सबसे ज्यादा क्रेडिबल जो है मानी जाती है। और वहाँ के जो स्कॉलर्स अभी भी पढ़ के आ रहे हैं वो उनका नॉलेज, वो आज भी अपने नाम के साथ अल अज़हर ही लगाते हैं, तो वो एक रिलीजियस ट्रेडिशन है। तो जनाब उमर बिन अल-आस जो के जनरल थे, मिस्र अल-फुस्तत जिन्होंने बनाया, टेंट सिटी बनाई और उसके बाद वहाँ पे काहिरा बनाया गया और काहिरा से फिर मुसलमानों का वो जो इंटेलेक्चुअल बूम है वो एक नए लेवल पे चला गया। और उस दौर में हमें ये भी याद रखना चाहिए कि मिस्र के अंदर एक पुराना शहर था अलेक्जेंड्रिया, जिसे कहते हैं उर्दू में हम सिकंदरिया कहते हैं, जो सिकंदर आजम से जो जिसको कनेक्ट किया जाता है।
तो अलेक्जेंड्रिया पर भी मुसलमानों ने कब्जा किया था और वो उस दौर का कैपिटल था जब अमर इब्न अलास की आर्मी आई तो अलेक्जेंड्रिया वाज द कैपिटल और अलेक्जेंड्रिया को इन्होंने कैप्चर किया। हिस्टोरिकली इजिप्ट हैज बिकम वन ऑफ द डोमिनेंट मुस्लिम सेंटर्स और नेपोलियन बोनापार्ट के अलावा इजिप्ट कभी भी इन्वेड नहीं हुआ उस तरह से और ये हमेशा मुसलमानों के कंट्रोल में रहा। खुल्फाए राशिदीन के बाद बनू उमैया, बनू अब्बास के बाद अयूबीज के बाद ममलूक और उनके बाद ऑटोमन एम्पायर। तो ये मुसलमानों की एक वो ऐसी शानदार हिस्ट्री है जिस पे हम फख्र कर सकते हैं। वाह वाह, बेशक बेशक, कोई शक नहीं। फाद साहब, आज फिर मिस्र हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम मिस्र को कल्मिनेट कर रहे हैं और यम हमारा इरादा है कि हम बढ़ेंगे इंशाल्लाह कल। सब शुक्र है कि कंप्लीट हो गया अंदर। बातें तो बहुत सी थी लेकिन हमने शायद उनको एक सरफेस लेवल के पर बर्ड्स आई व्यू के लेवल पे चीजों को देख रहे हैं। बड़ा जबरदस्त सिलसिला है और बड़ी अच्छी काविश है इस अदाए रमजान की, बिलखसूस कि हम लोग जो हमारी इस्लामी तारीख है जिसे शायद हम कभी भूल जाते हैं तो वो रिवाइव हो जाती है। फाद काजमी साहब, सिलसिला ही जारी रहेगा और कल एक नए शहर के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। आज के लिए इजाजत है हमें। बिल्कुल जी, आज हमें इजाजत है, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।